तो हेलो वेलकम दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यार आज से मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिस गेम का नाम है कार फॉर सेल सिम्युलेटर। बेसिकली इस गेम में हम एक कार शॉप के ओनर होते हैं और उस शॉप में हमको कार वगैरह बेचना पड़ता है। तो यार चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वाले वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो यार बातें शातें बहुत हो गई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो भाई हम आ चुके हैं गेम के अंदर। Welcome to Car Simulator for Sale 2023. सही है भाई, वेलकम वगैरह कर रहा है और ये हमारा शॉप है। कुछ ज्यादा छोटा नहीं लग रहा भाई। और पहले सबसे पहले तो ये कचरा वगैरह हटाता हूँ यार, बहुत कचरा हो रखा है शॉप के सामने। और इसको हटाते हैं, इसको डस्टबिन रहने देता हूँ उसको। और ये प्लैंक वगैरह हटा देता हूँ भाई, मिरर के सेफ्टी के लिए शायद से लगा रखा है इधर, ताकि भाई कोई पत्थर वगैरह से ना तोड़ पाए। और भाई इधर कार का ढांचा भी है, इसको भी भाई मैंने साफ कर दिया। और तो भाई हमारा हो चुका है क्लीन वगैरह, अभी डोर को ओपन कर दे। और भाई शॉप तो ठीक ठाक ही लग रहा है, अंदर से भाई साफ सुथरा है, लेकिन बाहर से भाई बहुत ही गंदा था। सही पकड़े हैं। ये पहले हमको इधर जाना पड़ेगा, इसमें जाना पड़ेगा अच्छा। हाँ तो भाई इधर से हम शॉप का नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसमें जाके हमको इधर जाना पड़ेगा। हाँ तो इधर से मैं इधर से सब छोटा बड़ा कर सकता हूँ, इसको कलर वगैरह चेंज कर पाऊँगा। तो भाई इस दुकान के लिए मुझको एक नाम भी रखना पड़ेगा, वो भाई सोचना पड़ेगा भाई क्या रखूँ नाम। तो भाई बहुत देर तक मत्था टेकने के बाद एक नाम दिमाग में आया है और वो है कार खरीदो। पता है भाई बहुत ही अजीब सा नाम है शॉप के लिए, बट कोई नाम भाई दिमाग में ही नहीं आ रहा, तो इस नाम को ही फाइनल करते हैं। तो ये देखो भाई कुछ ऐसा लग रहा है, अभी इधर से डोर को बंद करते हैं और उधर एक बस स्टॉप है, उधर से मैं जाऊंगा भाई। अभी एक फ़िलहाल के लिए नेबरहुड में जाऊंगा, क्योंकि मैंने सुना है भाई नेबरहुड में सस्ते में कार वगैरह मिलता है, तो चलते हैं नेबरहुड। तो भाई मैं आ चुका हूँ नेबरहुड में और ये देखो ये अंकल जो इधर गाड़ी बेच रहे हैं, ये कौन सा कार है भाई, अच्छा लग रहा है वैसे तो। और इसका रंग वगैरह देखो पूरा घिस रखा है, इसको देखते कितना प्राइस बताते हैं ये। और भाई ये रहने दो भाई, रहने दो मुझको नहीं चाहिए। उस गाड़ी के भाई 17,000, मजाक हो रहा है क्या भाई, गंदा सा कार था ये भाई, देख के नहीं चला सकता क्या, अंधा क्या, अंधे की तरह गाड़ी चला रहा है। इस भैया से पूछते हैं इनके गाड़ी का क्या प्राइस है। वैसे ये भी घिस रखा है कलर वगैरह, 11,000 भाई। सभी कार का दाम भाई ये हाई प्राइस है, क्या चक्कर है भाई। ये कार भी मस्त लग रहा है, मुझको पता है भाई इसका प्राइस भी 10,000 से ऊपर होगा, देखते कितना। ओ भाई 3,300 में भाई, ये बंदा भाई हमारे लेवल का है। इसको भाई देखो भाई, डेंट वगैरह भी नहीं लगा इसमें भाई, घिसा भी नहीं है गाड़ी कभी कहीं से। तो भाई इसको खरीद लेते हैं, ये भाई सही बंदा था भाई, ये सही बंदा था, इसके पास से भाई गाड़ी खरीद लेते हैं भाई। भाई इस बंदे को देख के भाई अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुश हो रखा हुआ है। तो मैंने इस कार को खरीद लिया, अभी इसके अंदर बैठते हैं और इसको थोड़ा सा, हाँ ऐसा करते हैं अभी, चलो चलते हैं भाई हमारे दुकान में लेके चलते हैं। और इस गाड़ी का भाई आवाज़ वगैरह भी सही लग रहा है मुझको, वैसे तो कोई फॉल्ट तो मुझको ऐसा अच्छा लग नहीं रहा। तो वो सामने वो देखो लोकेशन आ रहा है भाई, मैं तो ऐसे ही भाई तीर्छा पकाऊंगा भाई गाड़ी को, रास्ते से नहीं लेके जाऊंगा इसको भाई, इधर से लेके जाता हूँ उस रैंप पे भी रहता हूँ भाई, देखता हूँ कितना ऊपर जाता है। वैसे लग नहीं रहा, स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम है। हाँ तो यार वो सामने आप देख सकते हो, उधर है मेरा, तो उधर लेके चलते हैं कार को। तो भाई मैं आ चुका हूँ अपने शोरूम में, कार को इधर से रखते तमीज में और इधर से ऐसे निकल जाते भाई। इसमें फ्यूल वगैरह का भी चक्कर है ठीक है, कार को इंजन, कार का इंजन बंद करके रखना पड़ता है वरना फ्यूल ख़त्म हो जाता है। इधर से हमको इस वेबसाइट में जाना है और इधर से हमारा कार को अपडेट कर देना है, कितना कुछ प्राइस रखना है हमको। तो इधर से हम रखते हैं, 3,500 में ख़रीदा था शायद से हमने। और तो भाई इसको 10,000 रख देता हूँ मैं, क्योंकि भाई जो कार भी मैं देख रहा था भाई 10,000 के ऊपर ही बिक रहा है। और इस कार का गेटअप वगैरह उससे भी अच्छा है भाई, तो इसको मैं इधर से नाम रख देता हूँ इसका, सुपर कार रख देता हूँ, क्योंकि भाई बहुत ही अच्छा है ये वाला कार, ये चला के भी मज़ा आ जाएगा जो भी खरीदेगा। तो इसको मैं अपडेट कर देता हूँ और इसका प्राइस रखेगा 10,000। और
ये वैसे तो भाई सही लग रहा है भाई, कार अंदर से भी बहुत ही अच्छा है और बाहर से भी कंडीशन अच्छा है। और ये देखो भाई कस्टमर भी आ चुके हैं हमारे पास, तो आइए आइए, सर और मैडम भी आ रहे हैं इनके साथ साथ, इनकी वाइफ होगी शायद से, एक साथ देखने आ रहे हैं, तो इनसे देखते हैं कितने में देते हैं ये। और भाई 10,000 में मान गया भाई, सही है भाई, 10,000 मैंने रखा था, 10,000 में बिक भी गया। तो लेट्स गो गाइस, तगड़ा हो गया, अभी रात भी हो चुका है, अभी इधर से बस स्टैंड से मुझको अपने घर जाना पड़ेगा। वैसे घर तो नहीं है, वो कॉन्टेनर है, ठीक है, जो शिप वगैरह में ट्रांसपोर्ट होता है ना सामान वगैरह, तो उसके अंदर ही भाई एक वो बेड रखा है और यही है मेरा घर अभी के लिए। मैं गरीब हूँ तो इधर मैं सो जाता हूँ, ठीक है। तो भाई दूसरा दिन हो चुका है और मैं आ चुका हूँ नेबरहुड में, और इधर ये बूढ़ी माँ कार बेच रहे हैं, इधर से देख लेते भाई कितना प्राइस लगाया इन्होंने। तो भाई 1,900 में दे रहा है ये वाला कार, भाई वैसे तो सही लग रहा है, बट अभी ये देखो थोड़ा सा ठुका हुआ है शायद से, ये देखो इधर से थोड़ा सा वो है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा और घूम के आता हूँ, देखता हूँ कौन सा कार सस्ता है। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ थोड़ा सा अलग एरिया में, और इधर आते ही भाई एक कार मुझको दिखा, इसका सबसे पहले तो यार प्राइस देख लेते कितना है। और भाई 1,500 में दे रहा है, $1,500 में। वैसे तो गाड़ी ठीक ठीक लग रहा है मुझको, और जो भी होगा देखा जाएगा। भाई मैं खरीद रहा हूँ भाई, मैं इस वाला गाड़ी को खरीद रहा हूँ, और चलो भाई खरीद लिया इस वाले कार को। वैसे ठीक ठाक ही लग रहा है भाई मुझको, ऐसा कुछ तो भाई इतना ज़्यादा दिक्कत तो नहीं लग रहा है, अभी इसको चला के ही हमको पता चलेगा। तो अभी कार को कर लेते स्टार्ट और लेट्स गो भाई, अभी चलते हैं। वैसे साउंड तो ठीक ठाक लग रहा है मुझको, उतना खास भी नहीं है। और भाई क्या मस्त चल रहा है भाई, और भाई फील आ रहा है, देखो देखो ड्रिप ये देखो भाई क्या ही टर्न मार रहा है भाई, सही गाड़ी मिल गया भाई मुझको सस्ते में। एक काम करते हैं, इसको जल्दी से भाई शॉप पे लेके चलते हैं, उसके बाद आपसे मैं मिलता हूँ, ठीक है। तो भाई उधर से आते आते देखो मुझे मुझको क्या मिला, ये शायद से होगा अपना कार मार्केट। इधर से गाड़ी से उतरते हैं और ये देखो भाई लैम्बोर्गिनी भाई, भाई इसे प्राइस पूछ लेते कितना है। और मैं गरीब हूँ, रहने दो भाई ये अपने औकात से बाहर है, ये वाला कार देख लेते हैं। वैसे सस्ता नहीं लग रहा भाई, नहीं लग रहा सस्ता, महंगा गाड़ी है, मुझको पता है भाई ये भी महंगा होगा। और ये तो भाई कुछ कचरा सा लग रहा है, इसको देख लेते। और नहीं भाई देखो भाई घिसा पर आए गाड़ी और इतना प्राइस। और भाई इस कार को देखो, ये भी मस्त लग रहा है, और ये देखो लैम्बोर्गिनी, ये एक लैम्बोर्गिनी। और भाई मुझको पता है ये भाई मेरे औकात से बाहर है, अभी तो भाई अभी के लिए मैं चलता हूँ अपने शॉप पे, ठीक है। तो भाई मैंने और एक गाड़ी खरीद लिया है, गाड़ी तो नहीं है, मैंने ट्रक खरीदा है। वो वाला कार को मैंने पार्क करके रखा था और फिर से मैंने नेबरहुड जाके ये वाला ट्रक को खरीद लिया है। ये मुझको 4,500 में पड़ा। देखो वैसे तो हम कार वगैरह बेचते हैं और ये डिलीवरी ट्रक है, तो भाई मैंने अभी तक तो नहीं देखा किसी को ट्रक वगैरह बेचते हुए, क्या पता भाई महंगे में बेच जाए। तो भाई अभी इनका प्राइस वगैरह फिक्स करते हैं। तो भाई हमारा पहला वाला जो कार है हमने 1,500 में खरीदा था, इसको मैं रख देता हूँ 8,000 रुपये का, और इसको मैं इधर से अपग्रेड कर देता हूँ। और इस डिलीवरी ट्रक को मैं बेचूँगा 13,000 रुपये में, देखते भाई कितना मिलता है। मुझको तो लग रहा है भाई ठीक ठाक ही बिक जाएगा ये। तो भाई हमारे शॉप पे कस्टमर आ चुके हैं, इसको पूछते हैं भाई कितना बोलता है प्राइस। 2,000, सिर्फ 2,000 दे रहा है भाई ये। भाई पैसा नहीं है तो मेरे से मांग लेता, बट मैं नहीं देता भाई, तू भाग जा भाई, मुझको नहीं बेचना भाई इसको, तू चला जा भाई, पहले पैसा वैसा लेके आ। और इस मैडम से पूछते हैं ये कितना देती है, और ये मैडम भी 2,000 में दे रहा है। क्यों भाई, पैसा वैसा कमाओ लेके आओ भाई, इतना कम मैं क्यों बेचूंगा। इस कार के लिए और एक कस्टमर आ गया भाई, ये भी 2,000 में दे रहा है, क्या दिक्कत है भाई इनकी। भाई इसको देखते, ये ट्रक के लिए आया है और ये दे रहा है 5,300, और ये दे रहा है 5,400। भाई इतना कम भाई, इस भाई को देखते भाई ये कितने में देता है, और ये दे रहा है 6,000 में। एक काम कर भाई, तू ले जा भाई, ले जा तू, खुश रहे जिंदगी में। ये देखो भाई ऊपर से भाई कचरा भी फैलाते ये लोग। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ नेबरहुड में, और ये वाला कार मुझको पसंद आया है,
और ये है ऑलमोस्ट 2000 का, 1900 ऐसा कुछ है। तो इधर से इसको कर लेते बाई और इसके अंदर चलते। वैसे तो फील वगैरह तो सही आ रहा है कार का। तो भाई अभी मैं आपको मिलता हूँ अपने शोरूम के अंदर, ठीक है। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ शोरूम के पास। उससे पहले भाई इधर मैं आता हूँ और इस कार को थोड़ा सा रिपेयर वगैरह करके बेच के देखता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस मिलता है या नहीं। इधर इस कार को इधर रख देते और इसके पास जाके इधर से इसको ठीक करवा लेते। $400 के अराउंड लग रहा है। तो भाई कर तू भाई ठीक कर, उसके बाद मैं आता हूँ थोड़ी देर बाद। तो भाई हमारा कार रिपेयर हो चुका है, अभी इसको रख देते हैं शोरूम में अच्छे से। और भाई हमारा कस्टमर भी आ चुका है बहुत सारा इस कार को खरीदने के लिए, तो इसको इधर रख देते हैं और चलते हैं हमारे कस्टमर के पास, देखते हैं भाई कितना प्राइस बता रहा है ये। 1900 भाई तू निकल जा भाई, क्यों 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 करते हो भाई ऐसा। तुम निकलो भाई, पहले निकलो भाई, तुमको सेल नहीं करना। इसको देखते भाई, ये भाई सूट बूट पहन के आया है, ये 2200 में दे रहा है, इसको बाद में देखते हैं भाई। मुझको लग रहा है भाई कुछ तो इशू है इस कार के साथ। और इनको देखते हैं ये कितने में देते हैं। तो भाई ये 2100 बोल रहा है, इसको भी नहीं बेचना। तू जा रे। और भाई एक कस्टमर आया है, तो भाई ये 1900 में दे रहा है भाई, नहीं बेचना भाई। इतना कम प्राइस क्यों दे रहा है पता नहीं। और ये देखो, ये उस कोपचे में चला गया भाई, ये भी 2100। एक काम करता हूँ भाई, इसको ही बेच देता हूँ भाई, और झमेला नहीं रखना मुझको भाई। कुछ तो लग रहा है कुछ, ये कार थोड़ा सा पुराना है इसलिए भाई कोई बेच नहीं रहा, खरीद नहीं रहा इसको। एक काम करते हैं, जो नया कार लेके आया हूँ उसका प्राइस वगैरह फिक्स करते हैं और उसको भी सेल करके भाई ख़त्म करते इसको। तो भाई इसका प्राइस मैं रख रहा हूँ 7000। मुझको पता है इसमें नहीं बिकेगा, बट यार फिर भी मैं इसका प्राइस रख रहा हूँ 7000 देखने के लिए। तो ये कार भी हमारा लग चुका है सेल में, अभी देखते हैं भाई कस्टमर वगैरह आता है कब। तो भाई नेबरहुड जाके मैंने ये कार खरीद लिया है और ये मुझको पड़ा भाई 2100 रुपये का। और मैंने रिपेयर वगैरह कराया है इसका, वो 200-250 रुपये का कराया है। तो भाई ये कार मुझको अराउंड 2300 के अराउंड पड़ गया। और एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसका प्राइस मैं फिक्स कर लेता हूँ। तो इसको मैं देता हूँ 7000 के करीब रख देता हूँ इसका प्राइस। तो भाई बाहर एक कस्टमर आया है हमारा इस कार के लिए और ये कितने में दे रहा है, तो भाई ये बता रहा है 2100 के करीब। एक काम करते हैं, इसको बेच देते हैं भाई, झमेला नहीं रखना भाई। और हमारा लास्ट यही कार रह गया है। तो भाई और एक कस्टमर आ चुका है इस कार के लिए और इसको देखते हैं भाई कितना प्राइस बता रहा है ये। तो भाई ये 2300 बोल रहा है, नहीं बेचूंगा भाई 2300 में। और एक कस्टमर आया है, ये भाई वही वाला कस्टमर है ना जो हमसे ट्रक खरीद के लेके गया था, डिलीवरी ट्रक। तो भाई ये सही बंदा है, इसको देखते हैं भाई कितना बताता है। तो ये बता रहा है 2500। एक काम कर भाई, तू ले जा भाई, ले जा तू। इसमें हमारा भाई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, बट फिर भी यार हमने बेच तो दिया। तो बस यार आज की इस वाले वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तो यार चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वाले वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो बस यार आज की इस वाले वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।